मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शुभम सर फ्रॉम संस्कार ग्लोबल स्कूल. इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 7 एंड दिस इज चैप्टर 5. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइन क्या होता है. तो ए लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स. ठीक है, कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है. इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ, और इसकी लेंथ भी आप क्या होती है, फाइनाइट नहीं होती है. यानी आप इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ए लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स. लाइन की जो है कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होती है. इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ, और इसकी लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत तक होती है. ये आपका क्या है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन. फिर बात आती है लाइन सेगमेंट की. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है आपका ये पोर्शन होता है लाइन का, यानी लाइन का एक हिस्सा होता है. ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन की दो एंड पॉइंट्स होती हैं. एक एंड पॉइंट आपको ये दिख रहा है और एक एंड पॉइंट आपको ये दिख रहा है. इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है, यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फिर बात आता है कि रे क्या होता है. तो अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन. रे भी क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है. दैट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन. लेकिन इसकी खूबी होती है कि ये सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ते हुए जाता है, दोनों दिशा में नहीं. और इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है. ये देखिए, जहां से इनिशियल पॉइंट होता है उसी के एक डायरेक्शन में क्या होता है, ये बढ़ते चला जाता है. ठीक है, ये आपका लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया, रे हो गया. ठीक है, अब बात आती है आपका कि एंगल क्या होता है. एंगल क्या होता है, तो अगर हम एंगल की बात करें, इसकी बात करें एंगल की, तो एन एंगल इज फॉर्म्ड, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. यानी एंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो लाइंस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. इंटरसेक्ट कहने का मतलब होता है दूसरे को काटते हैं. जैसे देखिए, मेरा एक लाइन है AB, ठीक है, और एक आपका दूसरा लाइन है क्या, CD. तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे. तो यहां पर जो आपको ये एंगल मिल रहा है क्या, DOB. एंगल क्या मिल रहा है, COB. और क्या मिल रहा है आपको, एंगल COA और एंगल AOB. यानी एंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, अब बात आती है आपका क्या, टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार. तो सबसे पहले आपको इसमें क्या जानना है कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अगर कोई बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री. यानी अगर मान लो आपको एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और एक एंगल आपको दे दिया जाए क्या 60 डिग्री. ठीक है, ये दो एंगल्स आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. क्यों, क्योंकि जब आप 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 90 डिग्री. तो दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहलाते हैं अगर उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ठीक है,
फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपका सप्लीमेंट्री इनपल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका एक फीचर होती है टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are called supplementary angles if their sum is 180 degrees। दो angles आपके supplementary angles तभी कहलाते हैं जब उन दोनों का सम क्या हो 180 degrees। मान लीजिए आपको एक एंगल दिया गया हो क्या 120 degrees का और एक एंगल आपको दे दिया जाए क्या 60 degrees का, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 120 degrees और प्लस 60 degrees करते हैं तो क्या आता है 180 degrees। यानी अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 180 degrees हो जाए तो क्या कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 degrees। नेक्स्ट आपके हेडिंग है क्या एडजेसेंट एंगल्स। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो क्या होता है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तभी कहलाते हैं इफ, पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है कि उनके दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। दूसरा दे हैव कॉमन आर्म। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक भुजाओं में दोनों में समान होनी चाहिए मतलब कॉमन होनी चाहिए। और थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन। और जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होना चाहिए कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए। यानी कि आपको अगर इसको समझाना है तो कैसे समझाएंगे, मान लीजिए आपका है एक ऐसे फिगर दिया जाता है। ठीक है, ये है आपका ए पी O और ये C। तो यहां आप देखिए दो एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, एक एंगल COB, एक एंगल BOA। तो ये दोनों एंगल्स हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन कौन से? आपका COB और BOA एडजेसेंट है। कैसे? यहां पे मैंने क्या लिखा है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल्स एडजेसेंट तभी कहलाते हैं इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए दोनों वर्टेक्स दोनों एंगल का, एंगल COB और एंगल BOA का वर्टेक्स क्या है O। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होती कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। फिर दूसरा है कि दे है कॉमन आर्म, एक आर्म दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो देखिए जब आप एंगल COB की बात करते हैं तो इसमें भी OB आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब आप एंगल BOA की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है PO। तो आपका क्या है एक कॉमन आर्म होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन यह है कि नॉन कॉमन आर्म्स यानी ऐसी भुजाएं जो कि कॉमन नहीं है। तो आपकी कौन कौन सी भुजाएं कॉमन नहीं है, एक OC और एक OA, ये क्या है कॉमन नहीं।
ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म के आइदर साइड, यानी कि अगर ये कॉमन आर्म है आपका, तो एक नॉन कॉमन आर्म इधर बना लीजिए और एक कॉमन आर्म अगर आपको इधर मिलता है तो ये क्या कहलाता है आपका? एडजेसेंट एंगल्स कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स इफ देयर नॉन, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स, अभी अभी आपको मैं बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, अगर मैं इसको नाम ए रखूं, ये बी और ये सी और ये ओ, तो आपका देखिए सी ओ बी और ए ओ बी एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और एक जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड पे, दोनों दिशाओं में। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल्स किसे कहते हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स को आप लीनियर पेयर एंगल्स तभी कह सकते हैं इफ द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है? AO और OC। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, जैसे ये आपका OA है, ये इधर इधर जा रहा है RHS में राइट हैंड साइड, इसी के जस्ट उल्टा अगर आपका OC जाने लगे, ठीक है, तो क्या हो गया आपके अपोजिट रेस बन रहा है कि नहीं? एक OA और OA के अपोजिट कौन सा रेस बन रहा है? OC। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। ये अगर अन्य शब्दों में कहें, अगर इनके नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर देता है तो उस केस में जो आपका एडजेसेंट एंगल्स होता है वो क्या कहलाता है? लीनियर पेयर कहलाता है। और लीनियर जो लीनियर पेयर एंगल्स होता है इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हेडिंग पेयर्स ऑफ लाइन। जो आपका पहला हेडिंग आता है वो आता है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, two lines are called intersecting lines if they have a common point, yani agar do line hai, ek maan lijiye aap line hai AB aur ek line hai aapki CD,
ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट पाया जा रहा है वो। तो टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, यानी अगर दो लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट पाया जा रहा है तो आपकी लाइन कैसी कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ए बी और सी डी कैसी लाइन है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस lines are called parallel lines if they have no common point, that is not intersecting। दो लाइन आपस में पैरेलल तभी कहलाती हैं जब उनके बीच में कोई भी क्या कॉमन पॉइंट आपको ना मिले। कॉमन पॉइंट ना मिलने का मतलब है कि वो दोनों इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। जैसे आपकी एक ये लाइन है ए बी और आपकी एक दूसरी लाइन है क्या सी डी, ये आपकी क्या है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन इसलिए क्योंकि इनके और इनके बीच में आपको क्या कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यानी क्या ये इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो कैसी लाइन है ये आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके साथ साथ पैरेलल लाइंस में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप ए बी पे कोई पॉइंट लेते हो और सी डी पे कोई पॉइंट लेते हो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पे आपको 1 मीटर मिले, 1 कह रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मिले और फिर आप कोई दूसरी पॉइंट लो ए बी पे और सी डी पे भी आप कोई दूसरा पॉइंट लो और उनके बीच की भी डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर मिले, मतलब दो लाइन्स के बीच की अगर डिस्टेंस हर जगह आपको समान मिलती है तो भी वो लाइन कैसी कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो आपका एन जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन।